नमस्ते बच्चों, मैं पुष्कर प्रवीण लक्ष्य इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बार फिर से आप सबके सामने चैप्टर पॉलिनोमियल लेकर आया हूं क्लास टेंथ की। इससे पहले भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था नंबर सिस्टम, अब हम रेगुलर वे में आएंगे ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स लेकर के। फिलहाल आज हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, तो चलिए बिना बात को ज़्यादा बढ़ाए सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक ऐसा टॉपिक है जो हमने क्लास नाइन्थ में ही पढ़ा है और हम क्लास टेंथ में ही पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। क्लास नाइन्थ में जितना हमने पढ़ा था उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अब क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो हम समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबी होती है तो आप लोग बोर्ड होते, सो दैट हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकाल पाएँ। मतलब पॉलिनोमियल, सबसे पहली बात कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर बाय डेफिनेशन समझे, बाय डेफिनेशन जाए, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी समझे, तो होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव इंटेग्रल पावर। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर हो, इसका मतलब यह है कि नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव और इंटीग्रल का मतलब हो गया इंटीजर, जो हम पढ़ते आए हैं। इंटीजर मतलब पूर्णांक, मतलब पूरी पूरी संख्या, 2, 3, 4, 5, दशमलव में ना हो, डेसिमल में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, ऐसी संख्या को हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, 6वीं 7वीं से। खैर छोड़, होना चाहिए जो कि नॉन नेगेटिव और इंटीग्रल पावर हो। उस पर कहने का मतलब ये है, आप सबसे पहली बात एक और चीज़ समझते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन मतलब एक ऐसा चीज़, एक ऐसा कॉम्पोजिशन होता है जिसमें हर तरह की चीज़ें होती है, टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन इन विच कंसिस्ट एवरीथिंग लाइक कॉन्सोनेंट्स एंड वेरिएबल्स मे बी ऑफ डिफरेंट पावर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एक्सप्रेशन मतलब अलग अलग चीज़ें, ऐसा कॉम्पोजिशन जिसमें अलग अलग चीज़ें हो, डेट में कंटेन अ वेरिएबल और अ कॉन्स्टेंट, वेरिएबल में भी ऑफ डिफरेंट पावर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर तरह, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हर तरह की चीज़ें हैं। एक टर्म जो कि एक्स स्क्वायर जिसकी पावर 2 है, एक वैसा टर्म जिसकी पावर मैक्सिमम 1 है, और एक ऐसा टर्म जिसमें कोई पावर वगैरह है ही नहीं। मतलब सीधे सीधे इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट मतलब जो नंबर वाले टर्म होते हैं उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। अब इस 3 को भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 × x^0, और किसी चीज़ की पावर 0 मतलब 1, तो हैंस वो 3 × 1 3 हो जाता है। खैर बाद में समझेंगे, ये सब चीज़ नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से अंडरस्टूड होनी चाहिए 10वीं स्टैंडर्ड तक के बच्चों को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये एक एक्सप्रेशन हुआ जिसमें नॉन नेगेटिव पावर्स जो है वो नॉन नेगेटिव है। देखो पावर इसका 2 है तो ये नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव ही है, और इसका ही पावर 1 है तो ये पॉजिटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव, और इंटीग्रल मतलब कोई पूरी संख्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, अब जैसे मान लो कि कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनोमियल नहीं होता, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होने वाला एक्सप्रेशन हो सकता है 3x−2+3। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक्स पावर कैसा हो गया, नॉन नेगेटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव चाहिए, और ये पावर कैसा है, नेगेटिव है, तो जैसे ही पावर नेगेटिव हो गया मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, और भी जैसे √x + 2, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि रूट का मतलब ये होता है पावर 1/2, इसका मतलब हो गया x का पावर 1/2+2। तो जब पावर 1/2, इट मींस पावर किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, यहाँ पावर नेगेटिव हो गया, यहाँ पावर फ्रैक्शन में हो गया, तो ये दोनों ही क्या है, पॉलिनोमियल हमारे नहीं हुए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि पॉलिनोमियल एग्जैक्टली होता क्या है। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स, कि कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, तो पॉलिनोमियल कई तरह के होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर पावर्स। अब इसको दो तरीके से बांटा गया है, मतलब ऑन टर्म्स के बेसिस पे एक बार बांटा गया है, और एक बार ऑन पावर के बेसिस पे बांटा गया है। तो जिसकी पावर 1 है बेटा, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं।
जिसकी पावर 2 है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। जिसकी पावर 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलीनोमियल कहते हैं, जिसकी पावर 4 होती है उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहते हैं। ये तो थी पावर के बेस पे, अब है टर्म्स के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे मतलब जिसकी पावर 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं, जिसकी पावर 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल, बाइनोमियल। जिसकी पावर 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। तीन पावर और तीन टर्म, तीन टर्म से ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है क्लास टेंथ में, तीन टर्म से ज़्यादा बहुत कम ही, रेयर ही कर दुका है, और अगर है तो उसको कैसे डील किया जाएगा ये हम समझेंगे उस टाइम पे, ठीक। फिलहाल हम इतना समझ गए कि पॉलीनोमियल क्या होता है, पॉलीनोम के कितने टाइप्स होते हैं, इतनी बात मेरे ख्याल से हम समझ पाए होंगे। अब हम देखेंगे कुछ और चीज़, कुछ नोटेबल पॉइंट्स। जैसे एक होता है कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, एक होता है कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। तो वैसे पॉलीनोमियल जिसमें वेरिएबल्स ना हो, सीधे सीधे कोई ना कोई नंबर हो, जैसे 3 इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल कहेंगे, 5 इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल कहेंगे। और एक होता है बेटा जीरो पॉलीनोमियल, एक होता है जीरो पॉलीनोमियल। तो इस जीरो पॉलीनोमियल को मतलब क्या, जीरो पॉलीनोमियल मीन्स जीरो है, इसे हम कहते हैं जीरो पॉलीनोमियल। तो ये पॉलीनोमियल के बारे में एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद एक होता है जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, ओके ठीक। तो जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, अब जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर हम वेरिएबल की जगह पे पुट कर दे तो वो LHS और RHS को बराबर कर देगा। अब हम क्या बोले हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं कि हमने ले लिया एक लीनियर पॉलीनोमियल, दैट इज x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 + 4, दैट इज 7। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x की वैल्यू 7 हुई। अब इस x की वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दो तो ये क्या होगा बेटा, 7 - 4 और इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3। तो 7 - 4 क्या होता है, 3 इज इक्वल्स टू 3। यही हम आपसे अभी कहे कि x की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको हम इक्वेशन में पुट कर दे तो LHS और RHS दोनों को इक्वल कर देगा। देखो ये है क्या अपना LHS और ये है अपना RHS। कई बच्चे कंफ्यूज होते होंगे कि LHS और RHS क्या है। देखो हम ऐसे लिख रहे हैं, जो मेरे दाहिने हाथ पे गिर रहा है वो मेरा RHS है और जो मेरे लेफ्ट हैंड पे गिर रहा है वो मेरा LHS है। तो अब LHS और RHS क्या हो गया, इस वैल्यू को पुट करने से, इस इक्वेशन, मेन इक्वेशन में पुट करने से दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो इट मीन्स दिस 7 इज द जीरो ऑफ, जीरो ऑफ, जीरो ऑफ द, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। ये 7 इस पॉलीनोमियल का क्या है, जीरो है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जीरो नहीं होता, नहीं कहते कि ये वैल्यू उसकी जीरो है, ठीक। अब ये एक छोटा सा एग्जांपल हमने लीनियर पॉलीनोमियल से उठाया। वैसे वैसे पॉलीनोमियल बढ़ता जाएगा, लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जैसे x² - 2x + 3। अब इसमें क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके तोड़ना होता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम तोड़ेंगे और फिर एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। वो क्वेश्चंस वगैरह हम करेंगे तो हम अच्छे से और समझेंगे। फिलहाल के लिए हम समझ गए कि जीरो का क्या मतलब होता है, कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच आफ्टर पुटिंग इन द इक्वेशन एट द प्लेस ऑफ वेरिएबल विल मेक LHS एंड RHS इक्वल, ठीक। ये बात है। तो पॉलीनोमियल की बेसिक्स जितनी चीज़ें थी, मेरे ख्याल से इतना हमने समझ लिया। आगे अगर कुछ और आता है तो उसको भी हम आराम से बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम तो जो बेसिक्स थी हमने समझी, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जो भी हमें थ्योरी पढ़ना था थ्योरी हम पढ़ लिए, थ्योरी आप कितना ही पढ़ो, मैथमेटिक्स में जितना आप क्वेश्चंस करोगे थ्योरी क्लियर होती जाएगी। और जितनी भी थ्योरी थी हमने लगभग थ्योरी समझ ली पॉलीनोमियल के बारे में। अब हम करेंगे सीधे सीधे क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन से हम कुछ और समझ पाएंगे और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। जो भी मेरा दिमाग में ब्लॉकेज बन रहा है ना, हम लोग के दिमाग में, वो सब ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा जब हम क्वेश्चन उठाना शुरू करेंगे। तो ये सब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे ये क्वाड्रेटिक, जैसे वैसा पॉलीनोमियल जिसकी पावर 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक अलग से नाम दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके बारे में हम आगे चौथे या पांचवें चैप्टर में पढ़ते हैं। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत जगहों पर देखा गया, मतलब खूब सारा देखा जा रहा है। तो इस तरीके से ना इसको अलग से अध्ययन, इसको अलग से स्टडी करने के लिए एक नया चैप्टर ही बना दिया इसके नाम पे। उसका नाम पड़ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो खैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ना होगा तब पढ़ेंगे। फिलहाल कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, एक समझ बन पाए आपको पॉलिनोमियल के बारे में, एक समझ विकसित हो पाए आपकी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 9x² - 5, इसके हमें क्या फाइंड आउट करने होंगे, दे देगा और कहेगा कि इसके जीरोज आप फाइंड आउट करो। ठीक, इसके आप जीरोज फाइंड आउट करो, जैसे इसके जीरो भी हमने फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, जैसे कोई इक्वेशन दे देगा आपको 9x² - 5, फाइंड इट्स जीरोस, फाइंड इट्स जीरोस, इसके जीरो फाइंड आउट करने। तो जीरो फाइंड आउट करने के, जैसे लीनियर इक्वेशन में हमने फाइंड आउट किया, तो वो तो हम बचपन से ही पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम आसानी से सॉल्व कर पाए। अब वैसे इक्वेशन, वैसे एक्सप्रेशन जिसकी पावर मैक्सिमम 2 होती है, मतलब नेचर में क्वाड्रेटिक होते हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको हम सॉल्व करते हैं बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड होता है और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है। तो ये सब मेथड्स का हम यूज़ करके इनको सॉल्व करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जैसे ये क्या है ना कि 9x² - 5, अब ये 9x² किसका स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर माइनस ये √5 का स्क्वायर हो सकता है, √5 का स्क्वायर। ठीक, a² - b² के तर्ज पे आ गया, तो a² - b² के तर्ज पे हम क्या लिख सकते हैं, a + b, a - b, यही होता है ना, तो 3x² + √5 × 3x - √5। ओके, तो 3x + √5 एक बार 0 के बराबर होगा और 3x - √5 एक बार 0 के बराबर होगा। x = −√5/3 एंड x = +√5/3। ये हमारी दो वैल्यूज हो गई। अब तुम इन वैल्यूज़ को पुट करके देखो, जैसा मैंने कहा कि अगर हम उस वैल्यूज़ को, जो हमारी x की वैल्यू आएगी, उनको अगर हम पुट कर दें x की जगह पे, तो वो पूरे इक्वेशन को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, या फिर LHS = RHS कर देंगे। अब कैसे कर देंगे LHS RHS बराबर, x की जगह पे पुट करो 9 × √5, तो √5 का स्क्वायर क्या हो गया, 5/3 का 9, तो 9 से गया 9। अब ये -5 उधर जाकर के +5 ही हो जाएगा ना, तो 5 = 5 हो गया, दोनों तरफ LHS और RHS आपस में बराबर हो गए। और अगर सबको एक ही तरफ लेकर के आना चाहते हो, तो एक ही तरफ लेकर के आने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तब 0 आना चाहिए। मतलब ये 5 अगर यहीं रहेगा तो ये क्या होगा, 9 × 5/9 - 5 = 0, 5 + 5 - 5 = 0, तो ये हमारा 0 है। वैसे ही √5/3 को भी आप पुट करेंगे ना, तो आपको 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा इक्वेशन कि अब एक चीज़ और मैं साथ के साथ बताता चलूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप साइड से नोट डाउन कर सकते हो इसको। अब जैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हर चीज़ का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आप पढ़े होंगे तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप पढ़े होंगे ax + by + c। ठीक, अगर दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, दो इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसको हम कैसे करते हैं कि a1x1 + b1y1 + c1 = 0, और वैसे ही a2x2 + b2y2 + c2 = 0। तो वैसे ही हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो इसका भी वैसे ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें चूंकि अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल है, कुछ वैसे पॉलिनोमियल है जिसका पावर 1 है, सम आर दोज पॉलिनोमियल्स हुज पावर इज 2, सम आर दोज हुज पावर इज 3, तो उनके क्या स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं। तो बेटा जो स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे जो क्वाड्रेटिक होता है, तो उसका होगा ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए एंड बी आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। वैसे ही ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो, ये लीनियर पॉलीनोमियल क्या हो गया। अगर क्वाड्रेटिक की क्यूबिक की बात करेंगे तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया क्यूबिक का। और वहाँ पे ए बी क्या है, क्वाड्रेटिक के केस में ए और बी है कोफिशियंट एक्स स्क्वायर और एक्स का, एक्स का कोफिशियंट ए है लीनियर के केस में, एक्स क्यूब का कोफिशियंट ए है, एक्स स्क्वायर का बी है, एक्स का सी है और डी इज द कॉन्स्टेंट। ठीक, तो ये है बात। अब जैसे आपको कोई भी अब इसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछ सकता है कि कहेगा कि माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री एंड प्लस रूट फाइव प्लस रूट फाइव अपॉन प्लस रूट फाइव अपॉन थ्री आर दी जीरोज ऑफ नाइन एक्स स्क्वायर माइनस रूट सॉरी माइनस फाइव और नॉट, इसके जीरो हैं या नहीं है। माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री और प्लस रूट फाइव अपॉन थ्री उसके जीरोज हैं या नहीं है। हो सकता है इसके साथ दो तीन और वैल्यूज दे दें, फोर अपॉन थ्री सिक्स अपॉन सेवन इस तरीके से। अब उन सबों को आपको करना क्या होगा कि इन सबों को आपको बारी बारी से इस इक्वेशन के वेरिएबल के अंदर पुट करके, इस इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पे पुट करके चेक करना होगा। और अगर चेक करने के बाद LHS RHS आपस में बराबर इक्वल हो जाते हैं तो इट मीन्स वो जीरो हैं, अगर नहीं होते हैं तो वो जीरो नहीं। ठीक, उम्मीद है बात आपके समझ में आई होगी। दूसरी चीज़ कि एक और क्वेश्चन हम करते हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का, थोड़ा अलग टाइप का नहीं मतलब टाइप यही है बस, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेटिव पार्ट दूसरे तरह का है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फोर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू रूट थ्री, फोर रूट एक्स स्क्वायर फोर रूट थ्री एक्स स्क्वायर फोर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस प्लस फाइव एक्स माइनस टू रूट थ्री प्लस फाइव एक्स माइनस टू रूट थ्री प्लस फाइव एक्स माइनस टू रूट थ्री। अब इसको हम कैसे तोड़े, अब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सर ये रूट वाला कैसे करते हैं, चलो नॉर्मल फॉर्म फिर भी कर लेते हैं। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि हम इसको बेसिकली जो है ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तोड़ रहे हैं, कि इस मिडिल टर्म को हम इस तरीके से तोड़ रहे हैं, जैसे इस पाँच एक्स इस फाइव एक्स को हम इस तरीके से ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फोर इंटू टू एट और रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या 24, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री और फोर इंटू टू एट, ये फोर इंटू टू एट और रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, तो एट थ्री जा 24, मतलब इस फाइव एक्स को हम ऐसे तोड़े कि ये 24 के बराबर हो जाए। अब इस फाइव एक्स को हम कैसे तोड़े, तो इस एट एक्स में से थ्री एक्स अगर हम निकाल दें तो आ भी जाएगा फाइव एक्स, मतलब जो लाना था हमको फाइव एक्स लाना था माइनस प्लस माइनस प्लस करके तो वो भी आ गया, और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी आ जाएगा 24 भी आ जाएगा, तो मामला तो अपना सेट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फोर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू रूट थ्री, तो ये क्या हो गया, ये हो गया। अब फोर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स में से हम क्या कॉमन ले लें, तो हम कॉमन ले लेते हैं फोर और एक्स, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स यहाँ, कॉमन एक्स ले ली, तो इसमें क्या बचा रूट थ्री एक्स प्लस टू माइनस, इसमें से हम क्या कॉमन लें, इसमें से हम रूट थ्री कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म में से, इन दोनों टर्म में से तो रूट थ्री हम कॉमन लिए, तो इसमें क्या बचा रूट थ्री एक्स और प्लस टू, तो रूट अंडर थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन रूट थ्री एंड
4x माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर 3 अपॉन 4। ये हमारे दो वैल्यूज हो गए। अब इन वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें इस इक्वेशन में x के अंदर, वेरिएबल के अंदर, तो ये 0 हो जाएंगे पूरा पूरा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो बड़े वाला घंटा है उसको ज़रूर से ज़रूर दबाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। हम ऐसे ही आते रहेंगे, मिलते रहेंगे।